गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ब्लॉग 3। आज मैं जा रहा हूँ सात गांव, थोड़ा दूर है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आने वाला है आज। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ 6 माइल होके, और 6 माइल में वहाँ पे आपको हर तरह का माल मिल जाएगा, जैसा भी माल चाहिए वो हर तरह का माल वहाँ पर है। अभी तो नारंगी पहुँचने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा ऊंचा है ना, तो KTM चढ़ नहीं रहे, मतलब थोड़ा ये देखिए KTM मतलब जा नहीं रहा है, एकदम ऊंचाई है, थोड़ा सांस फूल रहा है ले जाने में इसको। भाई KTM को चला चला थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा एक टू पानी पीऊँगा, पानी लेके उसके बाद जाऊँगा। भले पानी का बोतल दीजिएगा, छोटा वाला ना, छोटा वाला दीजिए। तो यार दोस्त जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको बिगाड़ने पे होते हैं, और एक वो जो आपको बनाने में लगे होते हैं। तो यार मुझे मतलब अभी तक एक टू गर्लफ्रेंड तो मिला नहीं है, और चाहिए भी नहीं, लेकिन यार मुझे दोस्त मतलब ऐसा मिला है जो मुझे बनाने पे। मैं सोचता हूँ बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे ऐसे हैं ना भाई, जो मुझे मतलब ज़मीन से आसमान में बैठा देना चाहते हैं। और है एक दोस्त जिसके कहने पे कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, नहीं तो भाई मैं तो ये सब सोचा ही नहीं था कभी, जो मैं कभी ब्लॉग करूँगा, यूट्यूब में अपना चैनल बनाऊँगा, ये सब मैं कभी नहीं सोचा था। लेकिन मेरा आप कहते हैं ना, नसीब का खेल है वही है। यार आप लोग एक कहावत सुने हो क्या? कि कहावत ये है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भाई हुआ क्या है पता है, मैं जिसको समझता हूँ जो मेरे बहुत करीब है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वही मुझसे इतना दूर हो जाता है कि क्या बताऊँ अभी। पता नहीं यार मेरा साथी क्यों होता है ऐसा, मतलब जो ऐसा नहीं है भाई, आप लोग बोलो लड़की है, ऐसा नहीं है, जो भी हो दोस्त यार, या जो जिसको मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है, वो मेरे से दूर चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर मेरे साथ ये बहुत दिन से होते आ रहे हैं। और देखिए ना, ये KTM लेके जाने में हालत ख़राब हो रहा है, क्योंकि ऊंचाई है ना, चढ़ नहीं रहा है ऊपर में, इसीलिए। भाई आप लोग में से जो गुवाहाटी में रहते हो, मुझे सजेस्ट करो यार, मुझे कहाँ जाना चाहिए, गुवाहाटी में ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पर जाके मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। भाई ये जगह तो एक साथ गाँव, मेरा दोस्त यहाँ पर रहता है, उसका गाँव है ये, और अभी तो वो फ़िलहाल गाँव में है नहीं, वो भी इधर 6 माइल में ही रहता है, नहीं तो उसका घर भी जाता। और मैं जब 9th क्लास में था तब उसका गांव गया था मैं, तो उसके बाद अभी जा रहा हूँ। और जगह यार उतना याद नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद है, तो मतलब रास्ता भी इतना ढंग से याद नहीं है, कैसे जाना है बस, तो वैसे थोड़ा याद करते करते जाऊँगा और लोगों से पूछ लूँगा कि कैसे जाना है। दोस्त का घर नहीं जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ यार वो उसका घर से थोड़ा और दूर है। यार अभी जा रहा हूँ आर्मी कैंप का, अंदर जाऊँगा, और अंदर जाने से पहले मास्क लगा के जाऊँगा, नहीं तो कभी भी एल लग सकते हैं, और शायद अंदर भी नहीं जाने देंगे बिना मास्क का, तो मास्क लगा के फिर जाऊँगा अंदर। तो यार अभी हुआ क्या कि मैं आ रहा था आर्मी कैंप का अंदर, मतलब गेट पे जाने से पहले वहाँ पे कुछ फौजी भाई थे, उन्होंने मुझे रोका और मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है और क्या करने के लिए, मतलब मैं मतलब गेट का एंट्री जब कर रहा था, वहाँ का जब वीडियो बनाया तो उन लोगों ने डिलीट करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे शायद अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सका, गेट का अंदर जाने का नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं करते वो लोग। अभी मैं आर्मी गेट का बाहर आ गया हूँ, और अभी जोराबाद में हूँ, यहाँ से आपका गाँव शुरू होता है, तो यहीं पर अभी जाऊँगा, अभी थोड़ा आगे में वो जगह वहाँ जाऊँगा। यार ये जगह देख के मुझे मेरा गांव का याद आ रहा है, मतलब इतना सुंदर जगह यार, पूरा गांव है एकदम। और यहाँ का सबसे प्यारा चीज़ ये लगा, जो यहाँ पे मतलब भरा चारों ओर यार गाछ से भरा हुआ है, पेड़ पौधा एकदम लगा हुआ है जगह पे एकदम। उधर जाने से पहले थोड़ा चाय वाय पी के उसके बाद जाऊँगा, तो यहाँ पे एक दुकान है, उधर चाय पीऊँगा फिर जाऊँगा। आप यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे आपका मतलब घर है क्या? ओ, मतलब आप लोग कितना साल से यहाँ पर? बहुत साल से।
और ये दुकान आपका, ये दुकान जो की है ये आपका कब से है? बहुत दिन से, 50 साल से ज्यादा हो गया। 50 साल से मिसी हो गया। अब 47 साल तो मेरा ही हो गया। आपका आपका 47 साल हो गया। लेनदारी आपका बढ़िया बना है। 47 साल का होगा तो हम लोग ऐसा ही व्हाइट वाइट दाढ़ी तो है, व्हाइट वाइट हो जाए। वीडियो तो उठाया आंटी, वीडियो ढालेगा यूट्यूब में, यूट्यूब में ढालेगा वीडियो आप लोग का। खुलने वाला होगा, टाइम हो गया। यहाँ में मतलब थोड़ा पूरा गांव जैसा लग रहा है, मतलब मेरा बिहार में भी ऐसा ही है। हम लोग समस्तीपुर, मेरा चौक में भी ऐसा रहता है ना, जाता है चाय पीने के लिए बैठता है, सेम ऐसा ही रहता है गाँव में। चाय बन गई है, अभी चाय पी के उसके बाद जाना है थोड़ा। देख भाई, यहाँ से चाय पीने वाला अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। भाई चलो अभी जा रहा हूँ आगे थोड़ा, और वो आगे में जाके मतलब झरना है, वहाँ पे जाना है झरना। और इधर में मतलब रुका तो कुछ भाइयों ने बताया आगे में थोड़ा जाने से चायपत्ती का बगान भी है, वो भी मिलेगा, तो वहाँ जाऊँगा अभी। पहले तो जा रहा हूँ वहाँ पर, मेरा दोस्त और मैं जब जहाँ वहाँ जाता था वही जा रहा हूँ अभी, तो पहले जाऊँगा उधर, उसका बाद जाऊँगा चायपत्ती बगान। भाई यहाँ पे क्या है ना, झोड़ावाट में यहाँ के लोग मतलब बस मतलब दोस्त जैसे रहते हैं लोग, अनजान या जो भी हो, आप जाओगे आपको लगेगा ही नहीं ये दूसरा जगह में आप आए हो, ऐसा रहेंगे मतलब लगता है अपना घर का ही लोग है यार। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे अच्छा लगा इन लोग से मिल के। यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठा, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग को मैं काफ़ी दिनों से जाती हूँ, मतलब मुझे महसूस रहा था मैं अपना गाँव में ही हूँ। जैसे अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं बहुत। भाई जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ हमेशा से यार, ये गुवाहाटी जो है यहाँ का जगह से आपको प्यार हो जाएगा। और एक तो मौसम है यार, मौसम थोड़ा अलग ही रहता है हमेशा ही, आज भी वैसा ही है, थोड़ा धूप और हवा जो है कुछ अलग ही है, और हवा यार एकदम अलग यहाँ का, मतलब हवा में जरा सा पॉल्यूशन नहीं। तो यार आप लोग मेरे साथ बने रहो, और यार आप लोग जो अगर नए हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसा कि मैं बोलता हूँ यार, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं और आगे जाऊँगा यार, और कुछ अच्छा अच्छा करूँगा। अभी क्या ना, मैं KTM लेके और कितना दूर जाऊँगा यार, ये सात गाँव उसका जोरावट यहाँ पे आया हूँ। और मतलब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे कहाँ जाना है गुवाहाटी में, और कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर अच्छा 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 ब्लॉग बन सकते हैं, जहाँ अच्छा सीन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मैं वहाँ भी जाके बनाऊँगा। और यहाँ पे कुछ रिजोर्ट टाइप का बना दिया है, जो पहले तो था नहीं यार, अभी बना दिया है इन लोग ने। पहले तो इधर में जंगल ही था यार, अभी तो रिजोर्ट जैसा बना दिया है। यार मैं आ गया हूँ अभी वो जगह पे, भाई मुझे एकदम ऊपर वो वहाँ पे जाना था, वो झरना वहाँ पे बह रहा है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं जाने नहीं सकूँगा, पूरा पत्थर ही पत्थर है और आगे जाने का रास्ता भी नहीं है उधर में। कैमरा मतलब थोड़ा ख़राब हो जा रहा है, मोबाइल का कैमरा उतना ठीक नहीं है, इसलिए फट जा रहा है वीडियो जूम करने से, इसलिए वहाँ पर जाना था भाई मुझे। भाई यहाँ पर पिकनिक भी बना सकते हैं, और जगह भी एकदम बेस्ट है यार, यहाँ पे नहा भी सकता है यार, लेकिन कपड़ा पर लाया नहीं होना इसलिए, नहीं तो यहीं पे नहा भी लेता। और जगह देख रहे हो इतना सुंदर है, झरना है, छोटा सा नदी है, एकदम नदी बना हुआ है इसका।
वो झरना जो ऊपर बह रहा है बहुत सुंदर लग रहा है यार देखने में ऊपर, लेकिन जाऊंगा कैसे वही सोच रहा हूँ अभी। भाई यहाँ पे आया हूँ झरना का पास में, झरना भी बहुत सुंदर है यार, लेकिन पत्थर से भरा हुआ है, पूरा पत्थर ही है पत्थर इधर पे। ये यहाँ पे देखिए इधर भी पत्थर है, फिर और ऊपर में भी पत्थर है, ऊपर में ये यहाँ पे वो ये पत्थर को पार करके जाना होगा मेरे को। भाई ऊपर में मतलब थोड़ा यार चढ़ने में थोड़ा डर भी लग रहा है यार, मतलब थोड़ा पत्थर पिछला जैसा है यार, सूखा हुआ है लेकिन थोड़ा पिछला टाइप का है। और ऊपर में जाऊंगा वहाँ पे, ऊपर में जाने से तो और बढ़िया व्यू मिलता है यार देखने में। आप लोग अगर कभी आओगे तो आप लोगों को पता चले यार, जगह बहुत सुंदर है इधर में, मतलब अलग ही है, मज़ा आ रहा है जाके यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से जाने याद और जाऊँगा चाय पत्ती का बागान है वहाँ पे। तो भाई मैं बोल रहा था वो आना, ये आ गया झरना पे, कहाँ गया ये रहा ये। अभी भाई यहाँ पे आ गया हूँ मैं, यही जगह का बात कर रहा था आप लोग से, काफ़ी खूबसूरत है यार जगह। लेकिन क्या है ना भाई, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ गंदगी मतलब रहती ही है भाई, इधर में भी मतलब गंदगी है। यहाँ पे गिलास, उसका बियर का बोतल और क्या क्या पता नहीं फेंका हुआ है यहाँ पे लोग, लेकिन जा रहे हैं वहाँ तो गंदगी तो होगा ही। मतलब कोई भी जगह को साफ नहीं रखना है भाई, सब जगह को गंदा कर देना है बस। भाई ये जगह अभी मेरा और मैं इस जगह का राजा हूँ। तो यार यहाँ पे तो आ गया हूँ अभी, जगह एकदम शानदार, मतलब मज़ा आ गया यार ये जगह पे आके। और भाई अभी मैं जाऊंगा आपका वो चाय पत्ती बागान, वहाँ पे जाके देखूंगा वो जगह कैसा है। चलो चलते हैं अभी भाई, फिर से पहाड़ से भी उतरना होगा यार, और पत्थर भी इतना बड़ा बड़ा यार, मतलब गिरने का बहुत डर रहता है यार, फिर भी जाना तो है अभी। चलो चलता हूँ। भाई यहाँ पे है ना, मतलब एक अलग तरह का ही शांति है, शहर से एकदम दूर, एकदम सुकून है इस जगह पे, शोर शराबा तो बिल्कुल ही है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे मन का एक अलग ही शांति मिलता है आने से। भाई चाय पत्ती बागान आ तो गया हूँ, लेकिन एक बार पहले किसी से पूछ लूँगा फिर जाऊँगा, नहीं तो फिर से यहाँ पे कोई मना करेगा फिर वीडियो डिलीट, यार थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक अंकल आ रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। अंकल इधर में अंदर में जा सकते ना हम लोग, वो साइकिल लेके जा सकते हैं, वो वीडियो बनाने से कुछ बोलेंगे तो नहीं ना कोई? पत्ती नहीं तोड़ना है मेरे को, बस वीडियो बनाना है वहाँ पे, बना सकता है ना? तो भाई यहाँ पे कोई मना तो नहीं है, बस वही बोल रहे हैं पत्ती उत्ती नहीं तोड़ना है लेकिन अंदर जा सकते हैं, तो चलो अंदर जाते हैं अभी। तो यार ये चाय पत्ती का बागान और एक जगह देखते ही बन रही है। एक भाई आ रहे, उनसे पूछता हूँ इसमें चाय पत्ती लगाए कि नहीं। दादा चाय पत्ती इसमें अभी लगा नहीं है ना? नहीं लगा। ये लगने में कितना टाइम लगता है इसमें? तो दो माह तीन दो। अच्छा अभी इसमें पत्ती मतलब अभी हुआ नहीं है? नहीं भाई, होने वाला है। अच्छा तो भाई इसमें अभी चाय पत्ती अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। इसका सीजन भी रहता है क्या चाय पत्ती आने का? अच्छा तो यार चाय पत्ती का बागान भी आ गया, और अभी वो झरना का बात कर रहा था वहाँ से भी घूम के आ गया। चाय पत्ती का बागान से थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, उसके बाद ब्लॉग इधर में ही ख़त्म करूंगा यार। भाई और एक बात बोलनी थी आप लोग से यार, पेड़ पौधे ना हर जगह से मतलब कटते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा होने से तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब हम लोग को सांस लेने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हो किसी ने सोचा नहीं था कोरोना नाम का कोई बीमारी भी आएगी। और अभी जो मतलब पहले गाय भैंस को लगाया जाता है मुख में मास्क जैसा, और अभी हमें इंसान को भी लगाना पड़ रहा है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे।
अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो और प्रॉब्लम होगी यार। और उस टाइम पता नहीं शायद हम लोग सांस लेने के लिए भी मतलब उसको सांस लेने भी खरीदना पड़ेगा यार, ऑक्सीजन लेने लगे पैसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। तो यार आप लोग को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा और मैं थोड़ा और अच्छा करूँगा यार। अभी मतलब क्या है ना, ये साइकिल लेके मैं और दूर दूर तो नहीं जा सकता हूँ, और गुवाहाटी में कौन कौन सा जगह आप लोग मुझे सजेस्ट करो, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा जगह अच्छा होगा जहाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ अच्छा अच्छा, तो आप लोग बताओगे तो मैं और जाऊँगा ज़रूर वहाँ पर। तो मुझे कमेंट भी करें, कमेंट में बताएं मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा है, और मुझे ये भी बताएं कि मैं वीडियो में क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसे सुधारूंगा। आप लोग मुझे बताएं कि वीडियो में ऐसा करना है तो और अच्छा होगा। तो यार आज का वीडियो बस इतना ही है।